जून का महीना ग्रहण नक्षत्र की दृष्टि से बेहद खास होने वाला है और ग्रह हमें कुछ बड़े सरप्राइज देने वाले हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी राशियों की किस्मत चमकने वाली है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस खगोलीय घटना से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आखिर यह बड़ा मामला क्या है? यह सब बुध आदित्य राजयोग के बारे में है। जब बुध, जिसे ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, और सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, साथ आते हैं तो यह बेहद शक्तिशाली और शुभ योग बनाते हैं। इस जून में दोनों मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं, जिससे एक अद्भुत खगोलीय घटना का निर्माण होगा। आइए जाने विस्तार से, बुध 14 जून की रात को अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जिससे वे और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर 15 जून की रात को सूर्य भी मिथुन में गोचर करेंगे। इस प्रकार मिथुन राशि में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा, जो तीन राशियों मिथुन, कन्या और कुंभ के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। आइए जानें इन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बुधादित्य योग राजयोग है, यह ऐसा योग है कि मनुष्य के जीवन में यदि बुधादित्य योग आता है तो समझ जाइए कि जीवन में निश्चित रूप से आपका बदलाव होगा। अब बुधादित्य योग क्या है? बुध और सूर्य एक राशि पर जब दोनों बैठता है, विशेष मिथुन राशि पर जो होने जा रहा है, मिथुन राशि जो है वह बुध का अपना घर है और अपने घर में सूर्य भगवान भी विराजमान रहेंगे, तो समझ जाइए यह बुधादित्य योग विशेष रूप से तीन राशि वालों के लिए लाभ पहुंचाने जा रहा है। सबसे पहले मिथुन राशि। अगर आप मिथुन राशि वाले हैं तो तैयार हो जाइए रोमांचक समय के लिए। इस शक्तिशाली राजयोग से आपकी राशि में अचानक धन लाभ, शैक्षणिक सफलता और रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं। चाहे आप नई नौकरी की तलाश में हो या किसी कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आने वाला हो, किस्मत आपके साथ है। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। क्या यह किसी जादू से कम है? तीन राशि में मिथुन राशि और कन्या और कुंभ, ये तीन राशि पर विशेष लाभ होने जा रहा है, क्योंकि बुध अपने राशि में विराजमान होकर के साथ में सूर्य रहेंगे और जब बुध और सूर्य एक साथ रहते हैं तो राशि पर जो प्रभाव पड़ता है वह सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। बुध आदित्य राजयोग आपके लिए भी ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि और मनचाही पोस्टिंग के योग बनेंगे। लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने वाला है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नए आय स्रोत खुलेंगे और अगर आप कर्ज में हैं तो वह भी चुकता हो जाएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और बाहर यात्रा पर जाने का भी योग है। सकारात्मक प्रभाव पड़ने से ही व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक लाभ है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ये तीन राशि वालों को यह मौका मिलने जा रहा है। अंत में कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो बुध आदित्य राजयोग आपके लिए भी सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। पिता के सहयोग से कोई रुका हुआ काम पूरा होगा और करियर या कारोबार में वृद्धि होगी। विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए यह समय बहुत शुभ है। भाग्य आपके साथ है, जिससे हर कार्य में सफलता मिलेगी। घर में पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी। व्यापार में ऐसा उछाल आएगा कि मन खुश हो जाएगा और शत्रु परास्त होंगे। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। 15 जून इंतजार करना है, 15 जून का। 15 जून से बुधादित्य योग लग रहा है, तीन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।